क्या भाई, सुबह सुबह भगवान की जगह मेरा नाम क्यों ले रहा है? कोई वरदान चाहिए मुझसे? नहीं नहीं जेठालाल, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, सबको आ जाने दो, सबके सामने तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई, बोल। सुबह सुबह मेरा नाम क्यों बम बम क्यों कर रहा था? कैसा लाल जेठा भाई की हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया था, तो उनको टीवी और फ्रिज खरीदना है, तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ से वो खरीदे, तो ये कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी है जेठालाल, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो उनसे खरीद लीजिए ऐसा। लेकिन क्या हुआ, इनको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो ये बार बार जोर जोर से आपके नाम से चिल्ला रहे थे जेठालाल जेठालाल, इसलिए आपको बाहर तक आवाज़ सुनाई दिए, ऐसा झालं हो ना? अरे वाह, थैंक यू भाई वीडियो, थैंक यू। अरे आपके रिश्तेदार है तो डिस्काउंट भी दूंगा अच्छा सा। अरे वाह, थैंक यू जेठा भाई। बगा वैसे माधवी अभी कभी आ रहे, आज आ रहे? कभी आ रहे नहीं, वो बताया नहीं है अभी तक, वो इनको बता देंगे और ये आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो दुकान पे रहता हूँ पूरा दिन, कभी भी आने दो। हो ना? अरे वाह, छानच माँ, चल ओके, थैंक यू भिड़े। हाँ ओके, थैंक यू। चला आता। जाओ जाओ जेठालाल, जल्दी से दुकान जाने के लिए निकलो, फिर देखना ये आत्माराम तुकाराम भिड़े तुम्हें कैसा सबक सिखाता है। अरे दया चाय ला। ए भाई जरा देख तो सही, चाय टेबल पे ही रखी है। सॉरी बाबूजी, देखा नहीं मैंने। अरे टप्पू के पापा, ये आपने क्या गड़बड़ कर दी? ए जी बाबूजी, क्या हुआ? हाँ क्या छुपा रहा है मुझसे? नहीं नहीं बापूजी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता। ये बहू क्या कह रही है, क्या गड़बड़ की है तूने? पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। ये ठंडा है, बहू को ताने क्यों मार रहा है? अरे नहीं नहीं बापूजी, माचिस को मैं क्या ताने मार सकता हूँ? माचिस? और नहीं तो क्या, कांडी लगाने वाली माचिस। चलो अभी सीधे सीधे बता, क्या गड़बड़ की है तूने? अरे कुछ नहीं बापूजी, वो हमारे बचाव के माऊजी भाई छेड़ा नहीं है। हाँ? उनके बेटे की शादी की कंकोत्री वो दुकान में देके गए थे, वो मैं घर पे लेके आया कंकोत्री, लेकिन आपको जरा बताना भूल गया। कोई बात नहीं, कभी है शादी? कल हो गई। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। माऊजी टेढ़ा के बेटे की शादी थी? टेढ़ा नहीं बापूजी, छेड़ा। अरे वो टेढ़ा ही है, सब लोग उसे माऊजी टेढ़ा कह के ही बुलाते हैं, उसके मुंह से कभी सीधी बात निकलती ही नहीं, हमेशा टेढ़ी बात करता है, अब हर जगह मेरे नाम का ढिंडोरा पीटते फिरेगा। अरे भाई ये चंपकलाल गड़ा तो अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत बड़ा, इसीलिए मेरी बेटे की शादी में आया ही नहीं, ना कोई व्यवहार किया, ना कोई गिफ्ट भेजी। सॉरी सॉरी बापूजी, बापूजी मैं क्या कहता हूँ, शादी कल ही हुई है, तो आज का जो कोई गिफ्ट भिजवा दो। तो वो तो भेजनी पड़ेगी ना भाई, लेकिन उससे पहले मुझे माऊजी के साथ फोन पे बात करनी पड़ेगी। जेठालाल दुकान जा क्यों नहीं रहे, खुद के काम में भी लेट कर रहा है। अरे वाह, ये देखिए छाया मैंने कितना अच्छा दिया है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है ना। हेलो, हाँ माऊजी। हाँ भाई चंपक बोलू। वाह वाह वाह, आज बहुत बड़े आदमी का फोन आया मुझे, मेरे तो बाग खुल गए। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे आप बड़े आदमी हैं, तभी तो मेरे बेटे की शादी में नहीं आए। सुना चंपकलाल का फोन है, उनसे कहिए आज के बाद हम भी उनके किसी प्रसंग में नहीं जाएंगे। सुना लक्ष्मी ने क्या कहा? अरे भाई ऐसा मत बोल, क्या है कि हम लोग शादी में आने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए हम लोग शादी में नहीं आ पाए। तबीयत खराब हो गई? वाह, तबीयत कल खराब हुई थी कि आज? अरे नहीं नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तेरे बेटे के लिए गिफ्ट भी लिए, आज भेज दूंगा,
नहीं नहीं गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है भाई, फिर भी आपने लेके रखी है तो मैं आपका मन खट्टा नहीं करूंगा। मेरे चीकू को आशीर्वाद मिला है ऐसा समझकर रख लूंगा। हाँ चल अभी फोन रखता हूँ। ठीक है। अरे ये देखिए ना, सुना सुना है उसने, अभी मेहरबानी करके आज के आज उसे गिफ्ट भिजवा देना। हाँ बापूजी आज के आज भेज दूंगा। समाज में रहना है तो व्यवहार निभाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। लेकिन बापूजी मैं क्या कहता हूँ, गिफ्ट भेजने से अच्छा एक बड़ा सा कवर बना के भेज दू, क्या फिर उसमें से उनको जो खरीदना वो खरीद सकते है। 5,000 का कवर भेज दू। 5,000 ठीक है, 10,000 का बना के भेज देता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, इतना ज्यादा व्यवहार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो आप बताइए बाबूजी कितने का कवर बना के भेज दो। वैसे मावजी काका और लक्ष्मी काकी टप्पू के 20वें हैप्पी बर्थडे में आए थे ना, तो उन्होंने 1 सेट का कवर दिया था। अच्छा तो ठीक है, हम भी 1 सेट का कवर बना के भेज देते हैं, जैसे को तैसा। नहीं नहीं हम उसके जैसे थोड़ी है। ठीक है तो आप बताइए बाबूजी कितने का कवर बना के भेजू। मैं क्या कह रहा हूँ कि पैसों की जगह उन्हें घर में काम आए ऐसी कोई चीज खरीद कर दे लेंगे तो उन्हें अच्छा भी लगे। बराबर है, वो भी बराबर है, तो आप बताइए कौन सी गिफ्ट खरीद करके उनको भेज दे। अरे हर बात में क्या, आप बताइए आप बताइए, तो खुद नहीं सोच सकता। अब मैं क्या कहती हूँ, हम उनको गिफ्ट में प्रेशर कुकर देता। अरे शादी में कोई कुकर थोड़ी देता है दया। अरे देता है टप्पू के पापा, हमारी शादी में मेरी सातों मौसी ने एक एक प्रेशर कुकर दिया था, तो कुल मिला के घर में 7 प्रेशर कुकर हो गए थे, और मैं हफ्ते के 7 दिन अलग अलग कुकर में खाना बनाती थी। सोमवार को हैसा मासी का कुकर में दाल बनाती थी, मंगलवार को मीना मासी के कुकर में भात बनाती थी, बुधवार को साधु मासी का कुकर में मैं ढोकला बनाती थी, फिर भाई बस बस अभी कुकर पुराण बंद कर, कुकर वुकर नहीं दे सकते भाई। नहीं नहीं बहुत सही कह रही है। बराबर है कुकर, बराबर है कुकर भेज देते। तो बापू जी आज के आज मैं दुकान जाते ही सबसे पहला काम यही करूंगा, नट्टू काका के हाथों कुकर भिजवा देता हूँ। और बोलिए और कोई सेवा। सॉरी सॉरी बापू जी आपको कंकोत्री का कहने का भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये कुकर भेजना मत भूलना। नहीं नहीं बापू जी हो जाएगा, आज के आज हो जाएगा। चलो मैं निकलूं बापू जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आता हूँ बापू जी। हेलो हम बोल रहा हूँ, कहाँ से? आला 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 आला। अच्छा बोलिए क्या चाहिए? चाय चाय क्या? आपकी चाय पीने से मेरा वजन कम होगा? अरे भाई इधर किसका वजन कम करना है, तुम करो अपना वजन कम। हाँ कहाँ से नंबर मिल जाता है सबको। तू जा रहा है भी नहीं सोसाइटी में। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। हां अय्यर बबीता जी आ गए। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मस्त शर्ट पहना है आपने। हां जय महाराष्ट्र। वो जेठा जी एक्चुअली हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। ओहो हो आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बोलिए बोलिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? वो एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था। बबीता जी मेरी आपसे यही शिकायत है, आप हमेशा छोटा सा काम ही देती है मुझे। अरे अरे कभी बड़ा काम दीजिए तो करने का मजा है, नहीं अय्यर भाई? ये काम मजे से करो, बड़ा काम भी मिलेगा। अरे यारे यार लोकर या बाहर। एक्चुअली मुझे ऑटोमेटिक आटा मेकर के बारे में पूछना था, आपकी शॉप में मिलेगा? नहीं बबीता जी वो तो मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे मार्केट में 2-3 दोस्त है वो लोग बेचते, तो आप एक काम करना आप मेरी दुकान पे आ जाना, वहाँ से मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा उनकी दुकान पे, वहाँ से आप जो चाहिए ले लेना। मैं तो कहता हूँ बबीता जी आटा मेकर के साथ एक रोटी मेकर भी आता है वो भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया रोटी बनती है उसमें। अय्यर भाई आपको मस्त गरम गरम रोटी बना के खिलाएंगे। अय्यर भाई रोटली पे मस्त घी चौपट ना, क्या घी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये जितना सांधे है ना उसमें ऑयलिंग हो जाता है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ओहो पोपटलाल भी आ गया, क्या बात है भाई, सुबह सुबह क्या बातें चल रही है। अरे भाई अय्यर भाई रोटी मेकर खरीद रहे हैं। अरे वाह अय्यर भाई मुझे भी एक चाहिए। तुमको? अरे भाई जब तक होम मेकर नहीं आ जाती तब तक रोटी मेकर से ही काम चला लेते। पोपट भाई नहीं नहीं सुनने की बात नहीं अंजलि, मैं नहीं आ सकता लेट हो जाऊंगा ना। तारक आप हमेशा यही बहाना करते हैं। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
वाह 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 वाह, मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों, क्या बात है। आइए आइए आइए, मेहता साहब आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता, गुड मॉर्निंग बबीता जी। अभी बाकी सब मेरी वजह से आएंगे। ओ गैर जिम्मेदार जेठालाल। क्या बोला भिड़े? वही जो तुमने सुना, गैर जिम्मेदार जेठालाल। सुबह सुबह क्या हुआ भाई? पता है आज क्या तारीख है? तुमको क्या, मैं चलता फिरता बोलता कैलेंडर लग रहा हूँ। अपने घर में कैलेंडर होगा ना, देख ले भाई कौन सी तारीख है आज। अरे भाई भिड़ा, आज 22 तारीख है, मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? सुना जेठालाल, आज 22 तारीख है, 22। अरे तो मैंने कब कहा 22 तारीख नहीं है? क्या काम क्या बोलना भाई, जल्दी दुकान जाना लेट हो रहा है, काम धंधा लेके बैठे, तेरी तरह घर पे नहीं बैठे। जेठालाल मैं घर पे बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। मैं बौद्धिक काम करता हूँ, बौद्धिक काम। अरे शिक्षक हूँ, शिक्षक, लोगों को ट्यूशन देता हूँ। अरे सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, और उसी के नाते तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज 22 तारीख आ गई है, लेकिन तुमने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है। वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। अब तक तुमने सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं दिया, यह तो गलत है। ची ची। अबे जेठालाल, तुमने अभी तक मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया? अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरे भाई नहीं दिया तो दे दूंगा, भाग थोड़ी रहा हूँ मैं। जेठालाल अभी तो तुम भाग ही रहे थे ना। क्या बोले आप, क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि नहीं, भाग रहा था मतलब क्या, मैं रोज की तरह दुकान जा रहा था। अरे नहीं जेठालाल, मेरा मुंह से ऐसा निकल गया। मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकलेगा? नहीं भाग रहा था मतलब क्या, अब क्या कहना क्या चाहते हैं यार भाई? देखा बात कितनी बढ़ रही है। तो बढ़ने दो, डरता कौन है? क्या बात है बड़े मास्टर, किस बात का शोर हो रहा है? जी सुबह सुबह किस बात की तोनू मेहमान लगा रखी है? आओ हाथी भाई, सोड़ी भाई, आओ आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ। देखो देखो जेठालाल क्या कर रहा है। भिड़े ये तेरी और मेरी बात है, इसमें तू पूरी सोसाइटी को क्यों शामिल कर रहा है? अरे तो करूंगा ना सोसाइटी को शामिल, क्योंकि ये सोसाइटी का मैटर है। भाइयों मुझे एक बात बताओ कि आप लोग सब लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हो ना? ऑलवेज। हाँ बड़े मास्टर, हम तो हमेशा टाइम पे ही मेंटेनेंस दे देते हैं, पहले ही दे देते हैं। आज तक आपको कभी याद दिलाने की जरूरत पड़ी है? कभी नहीं। लेकिन जेठालाल को मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ता है, हर महीने इसका मेंटेनेंस का चेक लेट ही आता है। जेठा भाई ये सही बात नहीं है, मेंटेनेंस टाइम पे देना तो हमारा फर्ज बनता है। जेठालाल इतने पैसे कमाते हो फिर भी ऐसा करते हो? मुकुटलाल भिड़े ये बात तू सबके बीच में क्यों बोल रहा है? सुबह बालकनी में मिला था तभी नहीं बता सकता था, या फोन करके नहीं बता सकता था? तुम्हें हर महीने फोन ही तो करता हूँ जेठालाल, बार बार जब तुम्हें फोन करता हूँ तब जाके तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक आता है। अरे तंग आ गया हूँ मैं बार बार फोन करने से, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? अरे भाई काम में आदमी भूल जाता है। तू गब्बस माधवी। अच्छा भूल जाता है, काम में आदमी भूल जाता है, मतलब ये सब लोग जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हैं इनके पास कोई काम ही नहीं है ना? जेठालाल आज सबके बीच तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ये है जेठालाल कि तुम्हें जलेबी फाफड़ा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। ए उसल मिसल, ये जलेबी फाफड़ा को बीच में क्यों ला रहा है? उन बेचारों का मेंटेनेंस के साथ क्या लेना देना? कोमल ये झगड़े के बीच में फाफड़ा जलेबी और उसल मिसल का नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे तकलीफ हो रही है। जेठालाल ऊंची आवाज में बात मत करो, मेरी भी आवाज ऊंची हो सकती है। हां तो कर, और आवाज ऊंची कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना बाहर निकाल प्रेशर कुकर। तारा के लोग बात कहां से कहां ले जा रहे हैं? प्रेशर कुकर बोलना। हाँ प्रेशर कुकर। माधवी भाभी ये प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर से नीचे उतारो वरना फट जाएगा। हाँ उतरिए ना, मेरा मतलब जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। काय जाने दीजिए माधवी, तुम मतलब प्रेशर कुकर बोलना। मैं प्रेशर कुकर जेठालाल, तो तुम ढोल, वो भी फटा हुआ ढोल। जेठालाल छोड़ो ना ये सब भाई। अरे मैं तो साहब, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो चुपचाप दुकान जा रहा था, या इसी ने नौटंकी चालू कर दी। क्या नौटंकी? देखा भाइयों सुना आपने, अभी सोसाइटी का काम इन्हें नौटंकी लग रहा है। जेठालाल अरे भिड़े तुम छोड़ दो भाई। हाँ अरे भिड़े मास्टर बात को खत्म करो, जेठा भाई कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे भागना तो हाथी भाई मुझे पड़ता है, वो भी हर महीने इसके पीछे, जब भी मेंटेनेंस का चेक लेने की बारी आती है भाग भिड़े भाग। अरे सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, किसी का नौकर नहीं हूँ मैं।
अरे देखा आती भाई, इसकी पिन एक ही जगह पे अटक गई, एक ही बात बार बार बोल रहा है, मैं नौकर नहीं हूँ। अरे भाई किसने बोला तू नौकर है? ये लघुता ग्रंथ थी, अपने मन में से निकाल दो। क्या निकाल दो? कौन सी ग्रंथि निकाल दो? लघुता ग्रंथि मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी। मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? अरे माँ। और जेठा प्रा, ओ बिड़ू, ओ सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? और करना है तो पार्टी शार्टी करते हैं ना। हाँ सोनी चल चल, अभी के अभी हम सब जाते हैं पार्टी करते हैं और इसको ही नहीं ले जाएंगे। ये चिड़ू तो है। ए, तेरी पार्टी शार्टी की टेप बंद कर, नहीं तो हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। से? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ए जेठिया, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, मैं अपने सोसाइटी के एक गैर जिम्मेदार मेंबर को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ, जिसने आज तक कभी भी मेंटेनेंस टाइम पे भरा ही नहीं। किसने नहीं भरा? कौन है वो बाबू चक? वो जो भी हो उसे अभी कभी सोसाइटी में मुर्गा बनाओ। अरे क्या मुर्गा बनाऊं? मैं ही हूँ वो, मैंने नहीं दिया मेंटेनेंस। तो क्यों क्यों नहीं भरा तूने? सॉरी बापू जी, वो काम में जरा भूल गया, उसमें तो ये भीड़ ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, पूरी सोसाइटी को जमा कर दिया। अरे सोसाइटी का मैटर तो सोसाइटी को जमा नहीं करूंगा मैं। अरे भाई कभी कभार हो जाता है, भूल जाता है आदमी, काम में दिमाग से निकल जाता है। कभी कभार मैं चला लेता जेठाला, लेकिन तुम्हारी तरफ से ये हर बार होता है। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि सोसाइटी मुझे इस काम के लिए पगार नहीं देती? ये ऑनररी करता हूँ मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ मैं। मेरा सेक्रेटरी बनने की लायकात भी नहीं है तुम्हारी। लायकी लायकी कर दो माजी। अरे भाई वो पता है मुझे, वो पता है, वो सब बोल रहा है। चल लो यार, चल लो यार। अरे भाई जेठिया, गलती तेरी है, तू क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मत। सॉरी बाबूजी। भाई भिड़े, तेरा मेंटेनेंस मैं दे दूंगा। हाँ वो भी आज ही दे दूंगा, और वो भी पूरे साल का एक साथ, वो भी रोकड़ा। फाइनेंस प्रॉब्लम। अभी तू मुझे हर महीने रसीद देना भूलना मत, एक भी दिन लेट हुआ ना फिर देख मैं क्या करता हूँ। ये धमकी से गुंडे। बस अभी हो गया ना समाधान, चल अभी शांति से दुकान जा। और भाई सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि आपने इस युद्ध विराम की घोषणा कर दी, वरना ये युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा था। वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ भाई। हाँ चलो चलो, मैं चलता हूँ। चल चल, कोमल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। चला जलेबी फाफड़ा चला ना। चलो बबीता। तो बबीता जी आप अभी मेरे साथ आ रहे हैं दुकान या बाद में आएंगे? वो एक्चुअली जेठा जी, वो आटा मेकर मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड को चाहिए था। हाँ तो मैं उसे आपका नंबर दे दूंगी, तो फिर आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि कब कहाँ पे कैसे मिलना है। जी ओके ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, बाय। घर में दया और कंपाउंड में भीड़, पूरी सुबह बर्बाद कर दी, और दुकान में बाघा और नटू काका तो है। अरे नटू काका को फोन कर देता हूँ, माऊजी पे ले, उनका ही फोन आ गया। हाँ नटू काका, अभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू मेरी उम्र लंबी करने के लिए। है? आपने मुझे फोन करके याद किया, मतलब मेरी उम्र लंबी हो गई ना। अरे भाई ये सब फालतू बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ सुनो, आज आप दुकान जल्दी आ जाना। सॉरी सेठ जी, पर आज आप दुकान वक्त पर पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि मैं आज दुकान नहीं आने वाला हूँ, मुझे अर्जेंट गांव जाना पड़ रहा है। क्या? क्यों? I explain सेठ जी, वो क्या है कि हमारे उड़ाई गांव के बाजू के वडनगर में कुछ फॉरेनर्स घूमने आए, तो उनके साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए गांव वालों ने खास मुझे बुलाया है। अरे तो फिर दुकान में? अरे दुकान में बाघा है ना सेठ जी। अरे भाई बाघा तो है, लेकिन ऐसे अचानक आप कैसे जा सकते हैं? आई नो सेठ जी, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने देश के काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा? अरे इसमें देश बीच में कहां से आया? और नहीं तो क्या सेठ जी, मैं गांव नहीं गया तो वो फॉरेनर अपने देश की क्या छवि लेकर जाएंगे? इतने बड़े देश में किसी को अंग्रेजी नहीं आती। सो फॉर माई कंट्री एंड माई फेलो कंट्रीमैन, मुझे गाँव जाना जरूरी है।
प्लीज बेयर विथ मी, मैं ASAP वापस आ जाऊंगा। कब वापस आएंगे? ASAP मतलब एज सून एज पॉसिबल, हो सके उतनी जल्दी। ओके सेठ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। जय हिंद। जब भी काम होता है तभी इनको बाहर काम जाने का होता है। बागा का भरोसे पूरी दुकान कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो पहले दुकान तो जाता हूँ। अरे हाँ, चलो भाई MG रोड चलो। अरे नहीं भाई, नहीं जा सकता। क्यों? रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया है। अरे सुबह सुबह लोग धंधा चालू करते हैं, तुम बंद कर रहे हो? भाई साहब मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ, पूरी रात रिक्शा चलाया हूँ, अभी ओवर टाइम हो गया है। तुम लोगों को भाड़ा नहीं लेना होता है तो कुछ भी बहाना बनाते हो। नहीं ठीक है, बैठो। अगर रिक्शा चलाते चलाते मुझे नींद आ गई और मैंने रिक्शा कहीं ठोक दिया तो प्लीज मुझे जगा देना। आइए बैठिए। अरे बैठिए ना। रिक्शा चलो चलो चलो, रोको मत रोको मत, चलो चलो ठीक है। बागा को फोन करके बोल देता हूँ जल्दी से दुकान पहुंच जाए। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा भाई। अरे किसी को काम करना ही नहीं है। ओ भाई क्या हुआ भाई, तुमको भी काम नहीं करना है? नहीं साहब। क्यों? मतलब करना है साहब। तो फिर रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब आगे ट्रैफिक जाम है, आप ही देखो ना। ओह तो टेंशन के मारे यहाँ दिमाग जाम हो गया, ऊपर से भी है ट्रैफिक जाम। बीच रोड में क्यों खड़ा हो भाई? पागल हो गया? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है तुमको? एक मिनट में देख के आया। अरे भाई भाग मत जाना। अरे साहब इतने ट्रैफिक में कहाँ भाग के जाऊंगा मैं। हाँ हाँ क्या हुआ भाई साहब? अरे एक पागल आदमी बीच रोड में खड़ा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। बोलो, आज तक गाय की वजह से ट्रैफिक जाम होते हुए सुना था, अभी ये? हाँ पता नहीं, कोई सम स्टूपिड गाय है। गाय है क्या, आदमी है? भाई मैं वहाँ जाकर नहीं देखा हूँ, आदमी है की गाय है। एक काम करो, आप देख के बताओ ना आदमी है की गाय है। अरे भाई सब काम पे ही लगाते हैं सब। कौन है भाई? कहाँ जाना है आपको भाई साहब? क्यों रास्ते में खड़े हो आप? सेठ जी आप आ गए, चाय बोलूं? अरे तू दुकान में नहीं खड़ा है तो? बापरे ये मैं कहाँ खड़ा हूँ? अरे रास्ते के बीचों बीच। क्यों? मुझे क्या पता, तुझे पता, तू बता। मैं क्या बताऊँ, मुझे भी नहीं पता। किसी ने तुझ पे जादू टोना तो नहीं कर दिया ना? पहले एक पागल खड़ा था, अब दो दो हो गए। ओ भाई साहब ये पागल नहीं है। हाँ मैं इसको नहीं तुमको बोल रहा हूँ। पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ तुमको। सेठ जी जाने दीजिए उसे, साइड पे आ जाइए। ये देखिए कितना ट्रैफिक जाम हो गया। अबे ट्रैफिक जाम तेरी वजह से हुआ है, मुझे क्या बोल रहा है तू, साइड पे जा। मेरी वजह से? सॉरी हाँ भाई। चलो एक पागल हटा। फिर से पागल बोला। अरे सर मैं क्या बोला, इसने बोला। क्या बोला फिर से बोल। माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ मैं, प्लीज हट जाइए, मैं पागल हूँ। चलो चलो भाई चलो, गाड़ी बैठो। बागा
अरे बाघा क्या हो गया इसको? बाघा अरे क्या हो गया तुझे? तू बार बार डरावना स्टैट्यू क्यों हो जाता है? पता नहीं सेठ जी, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। बाघा तबीयत तो ठीक है ना भाई? अरे फिर गया। बाघा बाघा चल चल तो दुकान जाता है, मैं रिक्शा लेके आया हूँ तेरे लिए। आजा 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 संभाल के। हैं जी सेठ जी। आजा आइए बैठ जा। चलो फिर। बाघा क्या हो गया है तुझे? किसी ने कुछ कह दिया है? नटू काका से बोला चली हो गई? नहीं नहीं सेठ जी, नटू काका तो गौ है गौ, और मैं उनका लाडला भतीजा हूँ। तो वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नटू काका आज गाँव जा रहे है ना, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं दुकान एकदम अच्छे से संभाल लूंगा। है ना? गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो पहुंच गए दुकान। देख बागा, नटू काका नहीं और दुकान में बहुत सारा काम है, तू सब कर लेगा ना? हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगा। क्या क्या काम करने हैं वो सब मुझे नटू काका ने बता दिया है। सबसे पहले स्टॉक चेक करना है, नए ऑर्डर देने हैं और पार्टी के चेक बनाने हैं। शाबाश। लेकिन ये सब काम से पहले मेरे दो बहुत ही जरूरी काम है, वो तुझे पूरे करने हैं, ठीक है? पहला काम, मैं तुझे 50,000 दूंगा, वो 50,000 तू गोकुलधाम सोसाइटी में जाके भिड़े के मुंह पे मारना। मतलब उसके हाथ पे मारना। क्या ताली? अरे भाई मतलब वो 50,000 भिड़े के हाथ में इस तरह रखना कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो पैसे तूने उसके मुंह पे मारे। जी सेठ जी। और दूसरा काम? दूसरा काम अपने विक्रम भाई है ना। विक्रम भाई? अरे विक्रम भाई एल्युमिनियम। हाँ विक्रम भाई। हाँ वो, उनकी दुकान पे जाना, वहां से 1500-1700 का कोई बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीदना, उनको बोलना बढ़िया सा वो गिफ्ट पैक करके दे, और वो कुकर बापूजी का दोस्त है माऊजी भाई टेढ़ा, माऊजी भाई छेड़ा, उनके घर पर जाके वो दे के आना। जी सेठ जी। एड्रेस? वो मैं तुझे लिख के दूंगा, ठीक है? जी। अरे मगन। जी सेठ जी। गोडाउन खोला? नहीं खोलता हूँ। खोल खोल जल्दी खोल जल्दी खोल, मैं गोडाउन में से पैसा लेके आता हूँ। जी सेठ जी। आइए आइए आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आइए भाई साहब, एक बढ़िया सी कंपनी का फेस दिखाई। जी 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 जरूर। बागा। जी सेठ जी। देख जरा। जी आइए 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 आइए। ये देखिए, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक, इसकी स्पिनिंग एकदम अच्छी है, ये 95% तक कपड़े अंदर ही सुखा देता है। अरे भाई साहब आप मुझे वॉशिंग मशीन क्यों दिखा रहे हो? हमें वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। ओ सॉरी, ये देखिए, ये है टीवी के अलग अलग मॉडल। आपको कितने इंच का टीवी खरीदना है? भाई साहब हमें टीवी नहीं फ्रिज चाहिए। कमाल है, तो फिर पहले इन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन दिखाने को क्यों कहा? हा? अरे भाई साहब मैंने कब बोला आपको वॉशिंग मशीन दिखाने के लिए? अरे भाई साहब मैं क्या पागल हूँ कि आपको टीवी खरीदना हो और मैं आपको वॉशिंग मशीन दिखाऊं? अरे भाई साहब मुझे टीवी नहीं खरीदना है। तो फिर आपको क्या खरीदना है? मुझे फ्रिज 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 खरीदना है। ओ अच्छा, आपको तीन फ्रिज खरीदने हैं।
तो एक ही कलर, एक ही साइज और एक ही मॉडल के दिखाऊं या अलग अलग चलेंगे? भाई साहब, मुझे आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना है, चलो। अरे सुनिए, क्या कस्टमर गए? हाँ सेठ जी। अरे वाह, ले लिया फ्रिज? नहीं। क्यों? पता नहीं, बहुत कंफ्यूज थे, टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे। अच्छा, ये ले, ये इसमें 50,000 है, ये 50,000 भिड़े भाई को देने हैं। बराबर। और ये माऊजी भाई के घर का एड्रेस है जी। ये तो 2,000 रुपया रख, इसमें से 1500-1700 का बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीद करके उसका गिफ्ट पैक करा के माऊजी भाई के घर पे दे देना, ठीक है? जी सेठ जी। पहले माऊजी भाई के घर पे जाना और वो काम पहले खत्म करना भाई, हाँ, बाद में भिड़े भाई के घर पे जाना, ठीक है जी? हाँ, निकल निकल। हाँ सुन जी, और जाते जाते मेरे लिए चाय बोल देना। जी सेठ जी। हाँ हाँ, बोल दिया। अरे जेठिया, बहू नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबू जी बोलिए। वो माऊजी तेरा कोई हाथ से कुकर भिजवा देना, वरना पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। बापू जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने बग्गा को रवाना कर दिया है, उसको 50,000 दे दिया है, वो भिड़े के घर पे दे देगा और ऊपर से 2,000 दिए उसमें से कुकर खरीद के माऊजी भाई के घर पे दे देगा। वो कुकर खरीद कर भी माऊजी भाई के घर पे पहुंचता ही होगा बापू जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। जी कहिए। नमस्ते, माऊजी भाई छेड़ा? मैं माऊजी भाई नहीं, उनकी पत्नी हूँ। वो तो पता चलता है माजी, लेकिन मुझे माऊजी भाई छेड़ा से काम है। अरे लक्ष्मी, कौन आया है? वो नमस्ते, मैं बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ, मेरे सेठ जी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने मुझे भेजा है। ओ अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। आओ अंदर आओ। थैंक यू माजी। चंपकलाल ने भेजा है? हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह। जी हमारे सेठ जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। सुनो जी, व्यवहार संभालने के लिए आदमी भेज दिया, कोई छोटी मोटी गिफ्ट हो तो मना कर देना। गिफ्ट में क्या है ये पकड़ेंगे एक मिनट। थैंक यू, ये लीजिए, हमारे सेठ जी ने आपके लिए 50,000 रुपए भेजे हैं। पचास हजार रुपये। चीकू, बहू, आओ, देखो ना, तेरे जेठा भाई ने 50,000 रुपए भेजे। वाह, 50,000 रुपए शादी के गिफ्ट में। हनीमून, हनीमून। पापा, आप हनीमून के लिए मना कर रहे थे ना, अब तो पैसे आ गए, अब तो हनीमून को जा सकते हैं ना। हाँ हाँ, जाओ जेठालाल के नाम पर घूम फिराओ। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू जेठा भाई। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना, चाय नाश्ता कुछ लेंगे? मैं आपके लिए अभी कुछ गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। अरे नहीं बहन जी, एक मिनट, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे थैंक यू कहना तेरे सेठ को, भगवान ऐसा बड़ा दे सबको दे। अब ये कुकर भिड़े भाई के यहाँ। बागा भाई। अरे अब्दुल भाई सलाम। बागा भाई सलाम, कैसे हो? हर किसी के पास दो आंख, एक नाक और दो कानूस है, उजाला है चारों ओर लेकिन दिल में बुझा फानूस है। कानूस? कान कान। हाँ हाँ हाँ। बागा भाई सब ठीक तो है ना? आइए बैठिए,
क्या लोगे आप? आप इतना बोल रहे हैं अब्दुल भाई, तो एक ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू दे दीजिए। एक मिनट, अभी देता हूँ। क्या कहा? एक ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू। बागा भाई, ऐसा तो कोई शैम्पू नहीं है। तो टेम्पो भर के मंगवाइए। है? कहीं बागा भाई मसाला सोडा तो नहीं मांगा? बागा भाई, मैं मसाला सोडा बना के देता हूँ। नहीं अब्दुल भाई, अब मूड चला गया, मुझे भिड़े भाई के घर ये पार्सल देने जाना है, चलता हूँ। अरे बागा भाई, बागा भाई सुनिए तो। बागा भाई को क्या हो गया? ये समझता क्या है अपने आप को जेठालाल? हाँ, मुझे प्रेशर कुकर बोलता है, प्रेशर कुकर। सऊदे दादा। अरे कहाँ है सऊदे माधवी, सबके सामने उसने मुझे प्रेशर कुकर बोला है। तो आपने भी कम नहीं सुना है उनको, आपने भी उनको बोला ना फाफड़ा जलेबी। हाँ तो बोलूंगा ही ना, बोलूंगा ही फाफड़ा जलेबी, उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता उसे। फाफड़ा जलेबी कुटला। आज बड़ी डिंगे मार रहा था ना, बोल रहा था कि पूरे साल का मेंटेनेंस एक साथ दूंगा, वो भी रोकड़ा। कहाँ है मेंटेनेंस, कहाँ है मेंटेनेंस? माला का महित। बाबा धीरे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सॉरी सॉरी सुनो सॉरी। तुम देखना माधवी, अगर आज इसका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं आया ना, तो ये आत्माराम तुकाराम भिड़े। बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, पूरी पाउडर गली में तूफान मचा देगा। भिड़े भाई, कैन आई कम इन? बागा भाई आइए ना, आइए। थैंक यू। हेलो सोनू। हाय। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े भाई नमस्ते। नमस्ते। अहो आ गया, अभी जरा आओ। सेठ जी ने आपके लिए ये भेजा है। सोसाइटी का मेंटेनेंस इसमें भेजा? तो गिफ्ट पैक करके क्यों भेजा है? वो झगड़ा किया था ना मेरे साथ सोसाइटी में सबके सामने, अभी शर्मिंदा होगा, पछता रहा होगा, इसलिए अभी पटाने की कोशिश है। नाटक है सब और कुछ नहीं। जाऊ देना, उन्होंने जो कहा वो किया ना, ते महत्व से देखे ना क्या है उसमें। हाँ। और हाथ ऊंचे कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना बाहर निकाल। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, कुकर, प्रेशर कुकर। निर्लज्जपणाचा कळस हा बेशरम जेठालाल। देखा माधवी देखा, सोसाइटी में सबके सामने मुझे प्रेशर कुकर बोल के मेरा अपमान किया था, वो क्या कम था जो अभी यहाँ पे प्रेशर कुकर भेज के वापस मेरा अपमान कर रहा है? बोलना था बोल। आप शांत हो जाइए। बागा भाई, जेठा भाई ने प्रेशर कुकर भेजा है। हाँ माधवी भाभी, ये तो मेरी समझदारी कि मैंने प्रेशर कुकर भिड़े भाई के हाथ में दिया। बाकी सेठ जी ने तो कहा था कि प्रेशर कुकर भिड़े भाई के मुंह पे मारना। ओ भाभी, कुकर मुंह पे मारना। अच्छा तो मैं चलता हूँ, सेठ जी के लिए कोई मैसेज? अरे उसे जो भी मैसेज देना ना, मैं फोन करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते भिड़े भाई। सोनू चलता हूँ, माधवी भाभी चलता हूँ, ब्रांडेड है। जेठा भाई ने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अभी समझ में आया ना माधवी, आप पर भिड़े को गुस्सा क्यों आता है? माला कुकर पाटो जेठालाल। क्या हो गया इसको? हाँ बोला आत्माराम तुकाराम भिड़े। जेठालाल क्या है, क्या ये क्या है ये? अरे क्या है क्या है क्या, यही मेरा तरीका है, प्रेशर कुकर। अब एक साल तक मुझे प्रेशर मत करना, समझा जेठालाल। बस बस भाई, अभी फोन रख, डिस्टर्ब मत कर भाई, बहुत काम है मुझे इधर। मेरी बात सुनो जेठालाल, मेरी बात सुनो। कैसे लो? मेरा फोन काट दिया, मुंह पे फोन काट दिया जेठालाल ने। नहीं नहीं नहीं, आता आत्माराम तुकाराम भिड़े शांत नहीं बसनार, अभी देखना
अब ये आत्माराम तुकाराम भिड़े सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ओहो, कुकर के लिए सुप्रीम कोर्ट? माधवी, सुप्रीम कोर्ट मंजे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, उनके पास जाऊंगा मैं। जेठालाल गड़ा, तू गेला साता। महाराज बोल तो क्या है, सोतो की काय तुला मी। सोनू, तू पढ़ाई कर, मैं अभी आती हूँ, और चिंता मत कर। अहो, अरे आओ आओ भिंडी मास्टर। चाचा जी, हलो। जरा भाई, क्या हुआ? अरे भाभी, चाचा जी, मैं यहाँ पे कंप्लेंट करने आया हूँ। टप्पू, मेरे टप्पू ने वापस कोई शरारत की? दिक्का कितनी बार का है, शरारत मत कर। नहीं भिड़े भाई, भिड़े भाई, मुझे बोलने दीजिए। टप्पू, अभी तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं। अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे टप्पू ने कुछ नहीं किया है? हाँ, तो हम लोग कब से वही बता रहे हैं आपको। मैं टप्पू की कंप्लेंट करने नहीं आया हूँ जय भाभी। तो मैं टप्पू के पापा की कंप्लेंट करने आया हूँ। टप्पू के पापा की कंप्लेंट? क्या किया टप्पू के पापा ने? हाँ, पापा ने क्या किया? जेठालाल ने सोसाइटी के नियम तोड़े हैं, मेरी सहनशीलता की सारी हदें तोड़ दी है। पहले तो एक आदरणीय शिक्षक को, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को सबके सामने प्रेशर कुकर बोला, और ऊपर से मेंटेनेंस की बजाय ये भेज दिया, प्रेशर कुकर। जेठिया ने तुझे कुकर भेजा? मेरे बाबूजी, सिटी हमारे घर के कुकर में समझ रही है, वो दाल चावल रखा है ना। टप्पू, जल्दी बेटे सिटी बंद कर, गैस बंद कर देना बेटे, जा। भिड़े भाई, टप्पू के पापा ऐसी शरारत नहीं कर सकते है, वो तो एकदम भोले भटक है, वो तो एकदम नारियल जैसे है, बाहर से कड़क, अंदर से एकदम पानी जैसा निर्मल। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है भाभी, अभी थोड़ी देर पहले बागा हमारे घर पे आके ये प्रेशर कुकर देकर गया। और पता है चाचा जी, जेठालाल ने क्या बोला? कि भिड़े के घर पे जाके ये कुकर उसके मुंह पे मारना। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये कुकर तो हमारे मौजी काका को भेजना था, आपको कैसे भेज दिया? कहीं पैसे मौजी काका को तो नहीं भेज दिए? मौजी कौन? सॉरी सॉरी। हेलो, मैं मावजी छेड़ा बोल रहा हूँ। अरे भाई, आपकी एक फोटो भेज दो, मैं रोज उसकी पूजा करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं भाई। इसे कहते हैं सादगी। अरे गिफ्ट में 50,000 रुपया भेज दिया, फिर भी तुम ऐसे बात करते हो कि जैसे कुछ दिया ही नहीं। क्या सच कहूँ चंपक, मेरी तो आंखें भर आई। मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला, मेरा तो जीवन सफल हो गया। सुनिए चंपक भाई, आप शादी में तो आए नहीं, लेकिन खाना खाने के लिए घर आना पड़ेगा। हाँ आऊंगा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। मम्मा, गजेंद्र चाचा जी, गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ चाचा जी, शादी के फोटो आते ही सबसे पहले आपको दिखाने आऊंगा। जय जिनेंद्र चाचा जी। जय जिनेंद्र बेटा। बापू जी, चाचा जी, क्या हुआ? अक्कल बक्कल का ढंडा, चेटिया। तेरा अंदाजा सही निकला, जेठिया ने ये भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह कुकर भेज दिया, और उस मौजी तेरा को कुकर की जगह 50,000 रुपए भेज दिए। कल्याण, ऐसा गोंधल चला बाबू चक्की का। देवा, ये जेठालाल भी अभी बैंक में जाके क्या कुकर भरू? भाभी, ये कुकर आपका है तो आप रख लीजिए। भाई, हमारे घर पर तो पहले से ही 7 दिन के 7 कुकर है। फिर भी आप रख लीजिए, अभी ये कुकर हम लोग रख के क्या करेंगे ना? हम रख लेते हैं ना, वैसे भी नया कुकर लेना ही है, हमारा बिगड़ गया है, 7 साल से एक ही कुकर यूज कर रहे थे,
हिसाब का देख लेंगे ना बाद में। हाँ दया भाभी, अरे कुकर के हिसाब की बात नहीं करो, मुझे मेंटेनेंस के हिसाब की चिंता हो रही है यहाँ पे। अरे करम से भाई, आप मार्केट में किसी को भी पूछ लो, जेठालाल गड़ा की जबान मतलब लोखंडी जबान। हाँ एक बार बोल दिया, बोल दिया। ओके ओके, हाँ बोले बोले, हाँ ओके माँ, हाँ बोल दिया। जेठिया मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबू जी बोलिए। अभी घर पे भिंडी मास्टर आया है, थैंक यू बोलने आया होगा, उसको कहिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। ये अक्कल जो उथमीर, तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर भेजा है क्या? ये क्या वाली, ये बता कि तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर क्यों भेजा है? कुकर? हाँ कुकर, तूने भिंडी मास्टर को कुकर भेजा है और उस माऊजी तेरा को कुकर की जगह पे 50,000 रुपए भेजे हैं। अरे तेरी अक्कल क्या घास चले गई है? ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? माऊजी भाई को 50,000 और भिड़े को कुकर? हाँ उस माऊजी तेरा का अभी मुझे फोन आया था, वो 50,000 देख के खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है बाबूजी? ये बबूचक, मैं तुझे वही पूछ रहा हूँ, ये कैसे हो गया? ये बाबूजी, ये बागा ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है? मतलब मैंने उसको समझा के भेजा था कि भाई तू पहले माऊजी भाई के घर पे जाना, उनको कुकर दे देना और फिर वहां से भिड़े के पास जाना, उसको 50,000 देना। इसने सब उल्टा कर दिया, सब गड़बड़ कर दी। आज सुबह से उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है बापूजी। आप एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं अभी बागा से बात करता हूँ बापूजी। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। हाँ मैं फोन करता हूँ आपको बाद में। क्या किया तूने? अरे फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा मेरा। अरे इतना बड़ा नुकसान करके फोन नहीं उठा रहा है? फोन उठा, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ सेठ जी बोलिए, कैसे याद किया? कैसे याद किया? मैंने आपको इसलिए याद किया क्योंकि आपने मुझे बर्बाद किया। कहाँ है तू? बकरी करती बैं बैं, समंदर किनारे बैठा मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है इसलिए वो समंदर में? बाघा बेटा, समंदर किनारे क्यों गया है तू? डूबते हुए सूरज को देखने। मुझे डूबा के तेरा दिल नहीं भरा कि अभी सूरज को भी डूबा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे समझ में तो मेरी नहीं आ रहा है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया है तुझे? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे माऊजी भाई को कुकर देना था, उनको तू 50,000 दे के आया, और भेड़े को 50,000 देना था, उसको तू कुकर दे के आया। नहीं नहीं सेठ जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि पहले माऊजी भाई के घर जाना और उन्हें 50,000 रुपए दे देना, फिर भीड़े भाई के घर जाना। और जब मैं भीड़े भाई के घर गया तो मेरे पास सिर्फ कुकर ही बचा था, तो मैं वही दूंगा ना। ए भगवान, क्या करूं मैं इसका? तो दुकान आ, तू अभी क्या? मैं दुकान आता हूँ सेठ जी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? डूबते हुए सूरज को डूबता हुआ देख कर, उगते हुए चांद को उगता हुआ देखूंगा, फिर आऊंगा। अरे काट दिया फोन, फोन काट दिया इसने। क्या करूं मैं अभी, क्या करूं इसका? ए भगवान, अभी वो माऊजी भाई से 50,000 वापस कैसे लाऊं? फायर ब्रिगेड। बोलो मित्र प्रॉब्लम लाल। आप सही कह रहे हैं मेहता साहब, मुझे अपना नाम जेठालाल से बदल के प्रॉब्लम लाल ही रख देना चाहिए। अब क्या हो गया भाई, भिड़े ने क्या किया अब? अरे नहीं नहीं, अभी वो बागा क्रीज पे उतरा है बैटिंग करने के लिए। बल्लेबाज बदल कैसे गया भाई, क्या हुआ? अरे आज सुबह मैंने वो भिड़े को नहीं बोला था कि पूरे साल का एक साथ में 50,000 दे दूंगा मेंटेनेंस? हाँ तो क्या हुआ कि फिर Thank you.
क्या बात कर रहे हो जेठालाल, प्रेशर कुकर की जगह 50,000 रुपए पहुंच गए। हाँ वही तो, अभी समझ में नहीं आता है क्या करूं। अरे करना क्या है जेठालाल, अपने रिश्तेदार माऊ जी छेड़ा के घर जाओ, उन्हें कुकर दो और 50,000 रुपए लेके आओ। शादी में गिफ्ट दिए हुए पैसे वापस कैसे मांग सकता हूँ मेहता साहब, अजीब धर्म संकट में डाल दिया बागा ने। अरे धर्म संकट की क्या बात है जेठालाल, 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अपने रिश्तेदार को समझाओ कि भाई आपके लिए प्रेशर कुकर खरीदा था, गलती से ऐसा हो गया, जो कुछ हुआ है साफ साफ बता दो, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे लेकिन कुकर तो भिड़े के पास है, वो कुकर वापस देगा? अरे जेठालाल भिड़े से कुकर मांगने की क्या जरूरत है, एक नया कुकर खरीद लो और दे दो। अरे हाँ मेरा भी दिमाग खलास हो गया है। जेठालाल अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, अगर माओ जी छेड़ा ने 50,000 रुपए खर्च कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं अभी 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 जाता हूँ, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अरे मगन अरे जेठालाल तुम, अच्छा अच्छा कैसे हो मौजी काका? एकदम मजा है। आओ बेटा आओ। कैसे हो मौजी काका? मजे में। ये बेटा बहुत दिनों के बाद है, आओ बैठो। हाँ हाँ कैसे काकी आप? बस चीकू। अरे चीकू बेटा देखो कौन आया है। अरे जेठा भाई कैसे हो आप, बहुत दिनों बाद आए। आना पड़ा। अरे बेटा चंपक क्यों नहीं आया? उनकी तबीयत खराब है ना। अरे हाँ 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 ठीक है उसको आराम करने दो। नहीं नहीं पानी नीचे, थैंक यू। अरे बहू जेठा लाल के लिए चाय लाओ, शरबत लाओ। नहीं नहीं कुछ नहीं पीना है। तो सीधा खाना खा लो, वैसे भी आप लोगों की 2 थाली उधार है हम पर। नहीं नहीं खाना भी नहीं खाना है मौजी काका, दरअसल मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बेटा बोलो। हे ईश्वर मुझे बोलने की हिम्मत दो। वो मौजी काका वो दरअसल हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा शादी में नहीं आए तो क्या हुआ, तुमने 50,000 रुपया का कवर देकर अपनी गलती अच्छी तरह सुधार ली है। अरे वाह पैसे अभी तक इन्होंने खर्च नहीं किए हैं, पूरे के पूरे 50,000 ऐसे के ऐसे ही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। दरअसल मौजी काका मैं ये मैं ये 50,000 ही वापस लेने आया हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। नहीं नहीं आपको पता है जेठा भाई पिताजी ने शादी में कितना खर्चा होगा ये बोल कर हमारा हनीमून ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन जेठा भाई आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून जा रहे हैं, वो भी कुल्लू मनाली। मेरी वजह से कुल्लू मनाली? हाँ जेठा भाई हाँ। एक्सक्यूज मी, हेलो आई एम फ्रॉम फटाफट टूर्स एंड ट्रेवल्स। अरे आइए आइए, ये लीजिए आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। ओ थैंक यू वेरी मच। बेटे इनको पेमेंट कर दो। हाँ बाबूजी। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। जेठा भाई आप वाले ही पैसे हैं, थैंक यू। अरे 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 गए मेरे 50,000। थैंक यू,
तो सुबह आपको गाड़ी पिकअप करने आ जाएगी। ठीक है, हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू। देखा कितना खुश है मेरा चीकू। सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून पे जा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे बेटे, तुमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कुकर बेचना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, अरे ये प्रेशर कुकर तो मैं दरअसल आप लोगों के लिए लाया था। इसे देखकर वाह वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए। 50,000 के ऊपर कुकर भी दे रहे हो। इतने उदार दिले आप लोग हैं। लक्ष्मी, इन्होंने सोचा होगा कि नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए जाना है तो खाली हाथ थोड़े जाते हैं, इसलिए ये गिफ्ट लेकर आ गए, है ना? बहू, तुम कह रही थी ना शादी में किसी ने प्रेशर कुकर नहीं दिया। लो, प्रेशर कुकर भी आ गया। बहू, अरे खोल के देख लो ना बेटा, अगर एल्यूमिनियम का होगा तो जेठालाल बदल कर स्टील का भिजवा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? बराबर, लेकिन ये स्टील का ही है। हाँ, देखा, 10 साल की वारंटी के साथ। जीते रहो बेटा। जेठा भाई, अब हमारे घर में सालों साल आपके नाम की सीटी बजती रहेगी। चुप रहे जेठालाल, मैं अपने पूरे कच्ची समाज को बताऊंगा कि आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है। आप तो बताएंगे, लेकिन अभी मैं बापूजी को कैसे बताऊं कि 50,000 के साथ साथ कुकर भी गया। बापूजी, आप ऐसे ही चक्कर मारते रहेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा, थोड़ी देर बैठ जाइए ना। अरे क्या बैठ जाऊं बहू, ये जेठिया और बागा ने कितना बड़ा भगा कर दिया है। पूरे समाज में बात फैल गई है कि माऊजी के बेटे की शादी में हमने उन्हें 50,000 रुपए गिफ्ट में दिए। ये जेठिया माऊजी के घर से पैसे लेकर आ जाए तो अच्छा है। हेलो हेलो, दया बहू, खिम जी बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ, खिम जी का काम। जय जिनेन्द्र। चंपक है घर पर? जरा उसे फोन देना तो। हाँ, एक मिनट देती हूँ। बापूजी, खिमजी काका का फोन है। हाँ हेलो खिमजी, कैसा है तू? सब ठीक है। एक खुशखबरी देने के लिए तुझे फोन किया है। हाँ हाँ बोल। मेरी छोटी बेटी प्रतिमा की शादी तय हो गई है। अरे वाह। मुलुंड वाले विजय भाई सावला के बेटे के साथ 12 फरवरी को आप सबको शादी और रिसेप्शन दोनों में आना है। हाँ हाँ, अरे हम सब लोग आएंगे। और हाँ, 50,000 की गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 75,000 तो देना पड़ेगा। अरे भाई खिमजी, वो क्या चंपक, मेरे दूसरे बेटे की शादी में सिर्फ 501 रुपया दिया था और माऊजी के बेटे की शादी में सीधा 50,000, मुझसे बढ़कर है क्या वो? मेरा तुझ पर ज्यादा हक है। अरे भाई खिमजी, वो गिफ्ट नहीं थी वो। हाँ मुझे पता है, सिर्फ वही गिफ्ट नहीं थी, ऊपर से जेठालाल उसके घर जाकर वरवधु को प्रेशर कुकर भी दे आए। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा किसने कहा तुझे? अरे माऊजी ने खुद मुझे बताया। अब वो सब छोड़, अगर माऊजी से कम गिफ्ट मैंने ली तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी। हाँ बापूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या बहू, ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था, 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबूचा को उसे कुकर भी लेकर आया। बबूचा कहीं का,